आज हम एक हॉरर थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो 2021 में रिलीज की गई थी और इस मूवी का नाम है द लास्ट राइट। मूवी के स्टार्टिंग में फादर रॉबर्ट्स एक घर में कुछ चेक कर रहे होते हैं। फिर हम एक कपल बेन और लूसी को देखते हैं। बेन अलार्म के कारण उठ जाता है और ऑफिस के लिए तैयार होता है और वो अपनी वाइफ लूसी को बताता है कि आज उसकी एक डील फाइनल होनी है जिसके लिए बेन 7 हफ्तों से काम कर रहा था। रात को जब लूसी बेन के आने का इंतजार कर रही होती है तो उसे घर में किसी और के होने का एहसास होता है और कुछ आवाजें भी आती है। लूसी उठकर चेक करती है तो उसे आईने में पीछे कोई खड़ा हुआ नजर आता है जिसने हैट पहनी हुई थी, मगर पीछे देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। लूसी डर जाती है। तभी बेन घर आ जाता है। वो लूसी से पूछता है कि क्या हुआ। लूसी कहती है कि यहाँ कोई खड़ा था। फिर उस बात को इग्नोर करते हुए बेन से उसके डील के बारे में पूछती है। बेन कहता है कि डील नहीं हुई, जिससे वो काफी परेशान होता है। लूसी उसे आराम करने को कहती है। अगले सीन में रात को सोते समय उन दोनों के रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और फिर खुद ही बंद हो जाता है। दूसरे दिन लूसी को उसके फ्रेंड एली का कॉल आता है और वो लूसी को अपने साथ रात को कहीं चलने के लिए पूछती है, मगर लूसी मना कर देती है, लेकिन फ्राइडे को चलने के लिए मान जाती है। तभी अचानक एक आवाज आती है जिसे फोन पर एली भी सुनती है। लूसी चेक करती है तो वो देखती है कि वहाँ एक कौवा विंडो से टकराकर मरा होता है। एली उसे कुछ बताने लगती है पर लूसी कहती है कि मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करती। रात को लूसी उस कौवे के बारे में बेन को बताती है और उसे पूछती है कि यहाँ पहले कौन रहा करता था और क्या उनके साथ यहाँ कुछ अजीब हुआ था। तो बेन बताता है कि यहाँ के ओनर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए थे और वो मुझे ऐसा कुछ क्यों बताएंगे। लूसी कहती है कि मुझे ये घर हॉन्टेड लगती है, मुझे यहाँ किसी के होने का एहसास होता है, मगर बेन उसकी बातें नहीं सुनता और गुस्से से वहाँ से उठकर सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन वो लूसी के उठने से पहले ही ऑफिस चला जाता है और वो लूसी के लिए एक कार्ड और फ्लावर रख देता है। लूसी ये देखकर खुश हो जाती है और बेन को अपनी एक फोटो सेंड करती है। बेन उसे पूछता है कि फोटो में तुम्हारे पीछे कौन है। लूसी को भी फोटो में कोई नजर आता है जो रियल में वहाँ नहीं होता। लूसी फौरन एली से मिलकर उसे वो फोटो दिखाती है। एली उसे प्रैंक समझती है। फिर लूसी कहती है कि फोटो लेते समय वहाँ कोई नहीं था। इस पर एली कहती है कि फिर तो ये परेशानी की बात है। फिर लूसी घर आती है जहाँ वो देखती है कि बेन डिनर टेबल सेट कर रहा है। वो उसे पिछले रात के लिए सॉरी कहता है। डिनर के बाद बेन उस फोटो के बारे में बात करने लगता है, मगर लूसी उसे रोककर रोमांस करने लगती है। फिर वो वाइन लेने किचन में जाती है जहाँ सारे कैबिनेट्स के डोर खुले हुए होते हैं। बेन वहाँ आकर लूसी को डांटने लगता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो लूसी कहती है कि ये मैंने नहीं किया। बेन नहीं मानता तो लूसी नाराज हो जाती है। फिर रात को वो किचन में पानी पीने जाती है तो उसे दरवाजे के पीछे वही हैट वाला आदमी नजर आता है। वो डर जाती है और बेन को बताती है, पर वो बिलीव नहीं करता और लूसी से लड़ने लगता है। अगले सीन में हम लूसी को डॉक्टर के पास देखते हैं जो उसे रिलैक्सिंग पिल देता है और स्ट्रेस फ्री रहने को कहता है। फिर वो एली से मिलने कैफे में जाती है और उसे बेन के रवैये के बारे में बताती है। वहाँ वॉशरूम में एक औरत लूसी से कहती है कि तुमने उस हैट वाले आदमी को देखा है, वो जब तक तुम्हें पा नहीं लेता वहाँ से नहीं जाएगा, लेकिन उसे अंदर मत आने देना। लूसी उस औरत को इग्नोर करते हुए घर चली जाती है और रात को ये बात एली को बताती है। वो कहती है कि हमें इस बारे में एक ऐसे इंसान से बात करनी चाहिए जो स्पिरिट और घोस्ट के बारे में जानता हो। वो कहती है कि मैंने पहले भी इस तरह की स्टोरी सुन रखी है, इसीलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर वो दोनों इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो उन्हें एक आदमी डॉक्टर डेविड एंड्रयूज के बारे में पता चलता है, जिन्होंने ऐसे ही हैट वाले साए के बारे में अपने बुक में लिखा था। अगले दिन लूसी डॉक्टर एंड्रयूज से मिलने उनके घर जाती है। वहाँ लूसी को उनकी स्केच बुक नजर आती है जहाँ उन्होंने सायों की स्केच बनाई होती है। डॉक्टर उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तो लूसी उन्हें कुछ बता नहीं पाती और वहाँ से जाने लगती है। तो वो उसे कहते हैं कि वो स्ट्रेस से अट्रैक्ट होते हैं। फिर वो बैठ जाती है और कहती है कि मैंने एक हैट वाले आदमी के साए को देखा है, जैसा आपने अपने बुक में ड्रॉ किया है। तो डॉक्टर उसे बोलते हैं कि उसने तुम्हें तुम्हारे किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा के कारण या फिर तुम जिस घर में हो उस घर के कारण तुम्हें चुन लिया है। उसने तुम्हारे अंदर कोई वीकनेस का साइन देखा होगा या फिर तुम्हें उससे कोई नेगेटिव एनर्जी मिली होगी जिसके कारण वो तुमसे अटैच्ड हो गया है। तुमने उसे देखा है, इसीलिए तुम रिलीजन पर फेथ रखो और प्रेयर्स किया करो।
फिर उन्हें लूसी के पीछे शायद कुछ नजर आता है, इसीलिए वो उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। जाते समय वो लूसी से कहते हैं, डोंट लेट हिम इन। तभी लूसी को वो साया डॉक्टर के पीछे खड़ा नजर आता है। वो डर के वहाँ से भाग जाती है। घर आकर लूसी क्रॉस और जीजस की तस्वीरें लगाती है और बेन को मैसेज भेजकर घर जल्दी आने को कहती है। उसके बाद रात को सोते समय लूसी को अपनी नैन की आवाज आती है। फिर बाहर उसे कोई गुजरता हुआ नजर आता है। वो उठकर देखती है तो उसे नीचे से आवाजें आती है। फिर उसे बाहर व्हाइट ग्राउंड में कोई लड़की नजर आती है जो उसकी नैन होती है, और वो लूसी से कहती है कि थैंक यू फॉर लेटिंग हिम इन। फिर उनका मुंह काफी डरावना हो जाता है, जिससे लूसी डर कर घर के अंदर भाग जाती है। अब घर के अंदर उसे वही साया अपनी ओर बढ़ता हुआ नजर आता है, और तभी लूसी की आंखें खुल जाती है। वो अपने बेड पर ही होती है लेकिन मूवमेंट नहीं कर पा रही होती, और तभी रूम का दरवाजा खुल जाता है और उसे कोई अंदर आता हुआ फील होता है जो उसके ऊपर से चद्दर उतारता है, फिर उसे बहुत टॉर्चर करता है। वो स्लीप पैरालिसिस में होती है। अगली सुबह वो नाश्ते पर बेन को बताती है कि मैं बचपन में ऐसे चीजों से डरा करती थी जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेरे पेरेंट्स को लगता था कि डीमंस मुझे टॉर्चर करते हैं, इसीलिए वो मुझे आधी रात को बिना कपड़ों के खड़ा करके मेरे ऊपर हॉली वाटर डाला करते थे और बाइबल से दुआएं पढ़ते थे, जिससे मैं तंग आकर घर से भाग गई और अपने नैन के घर रहने लगी, और फिर सारे डरावने एक्सपीरियंस बंद हो गए। मैं सारे दर्द और तकलीफ से आजाद हो गई थी, लेकिन मैंने कल फिर से वैसा ही फील किया और मैं बहुत ज्यादा डर गई। कल किसी ने मुझ पर बेडरूम में अटैक किया था, वो नजर नहीं आ रहा था, तभी से मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। अगले सीन में लूसी को हम एक चर्च में देखते हैं। वहाँ लूसी को फादर रॉबर्ट्स का नंबर लिखा हुआ नजर आता है। फिर वो बाहर आकर उन्हें कॉल लगाती है और कहती है कि मुझे आपसे अर्जेंट बात करनी है। अगले सीन में लूसी और बेन बाथरूम में होते हैं, जहाँ बेन लूसी से बताता है कि मैंने ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली है। फिर वो कॉफी बनाने चला जाता है। लूसी वहीं बाथटब में होती है, उसे फिर से वही साया नजर आता है और वो पानी से बाहर निकल नहीं पा रही होती। वो साया फिर से लूसी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसके वहाँ से जाने के बाद वो बाहर निकलकर घासने लगती है तो बेन आवाज सुनकर उसके पास आ जाता है। इसके बाद लूसी फादर रॉबर्ट से मिलने जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है और कहती है कि मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में नहीं है। फादर उसे कहते हैं कि तुम प्रेयर्स किया करो, मुझे इन सब चीजों का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मगर मैं तुम्हारे माइंड को रिलैक्स करने और घर में सुकून के लिए ब्लेसिंग्स कर सकता हूँ। फादर उसे एड्रेस लिखकर देने को कहते हैं। तभी लूसी को कुछ होता है और वो कुछ और ही लिखकर वहाँ से भाग जाती है। फिर हम लूसी को घर में बैठा हुआ देखते हैं। थोड़ी देर में बेल बजती है। दरवाजे पर फादर रॉबर्ट आए थे। वो बेन को लूसी और अपने मीटिंग के बारे में बताते हैं और लूसी से मिलने का कहते हैं। बेन उन्हें अंदर बुलाने पर हिचकिचा रहा होता है, मगर तभी लूसी वहाँ आकर उन्हें अंदर ले जाती है। फादर उसे पूछते हैं, तुम्हें उस वक्त क्या हुआ था? तो वो उसे बताती है कि मैंने कुछ देखा था जिससे मैं डर गई और वो स्पिरिट अभी भी यही है। जो सुनकर बेन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है। फिर लूसी उसे कहती है कि मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, तो बेन चुप हो जाता है। फादर लूसी को वो पेज दिखाते हैं जिस पर उसने कुछ लिखा था, मगर उसे अब कुछ याद नहीं होता और वो कहती है कि मुझे पता नहीं कि मैंने क्या लिखा था। फादर उसे कहते हैं कि यह पुराना लैटिन टेक्स्ट है, इसका मतलब है आई हैव हर नाउ। यह सुनकर बेन गुस्सा करने लगता है और लूसी से कहता है कि अब तुम लैटिन में भी लिख सकती हो। अब फादर वॉशरूम जाते हैं तो उन्हें एक बंद कमरे से आवाजें आती है और वो कुछ पढ़कर उस चीज को फील करते हैं। अगले सीन में लूसी शावर लेती है और फिर ब्रश करते वक्त उसके मुंह से खून आने लगता है, मगर वो सिर्फ लूसी का वहम होता है। फिर दरवाजा खोलने की आवाज पर बेन जब देखता है तो लूसी उसी रूम में खड़ी होती है जहां फादर को कुछ नजर आया था। फिर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगती है। कुछ देर बाद दरवाजा खुल जाता है। बेन अंदर जाकर देखता है तो लूसी अपना हाथ जख्मी कर रही होती है और उसके अंदर से कोई और बात कर रहा होता है। तभी वो वहाँ बेहोश हो जाती है। बेन फादर को कॉल करके आने को कहता है। इसके बाद हमें मूवी के स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है, जब फादर रॉबर्ट उनके घर आते हैं और काउंटर पर अपनी कुछ चीजें रखते हैं। तभी उन्हें ऊपर से कुछ आवाजें आती है तो फादर ऊपर लूसी के पास जाते हैं, जहां लूसी के अंदर से कोई और बात कर रहा होता है। वो कहता है कि लूसी मेरी है। लूसी स्लीप पैरालिसिस में चली जाती है। फादर प्रेयर करने लगते हैं। उसके बाद फादर चर्च के एक प्रिस्टेस से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि लूसी को एक्सोरसिज्म की जरूरत है।
वो पहले तो इसके लिए साफ इनकार कर देती है क्योंकि इसके लिए प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस पर चलना पड़ता है, मगर फिर ब्रिशप से बात करने के लिए मान जाती है और कहती है कि अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो आप इस केस पर और कुछ नहीं करेंगे। फादर उन्हें कहते हैं कि अगर अच्छे लोग हेल्प ना करें तो शैतान का जुल्म जीत जाता है। फिर हम उन्हें चर्च पर देखते हैं जहां उन्होंने अपने दोस्त रे को बुलाया होता है और उसे बोलते हैं कि मुझे एक औरत का एक्सॉर्सिज्म करना है जिसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और ये जल्द ही करना होगा, जिसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। रे अपनी वाइफ के डेथ के बाद फेथ खो चुका था, इसीलिए वो कहता है कि मैं इस काम के लिए सही नहीं हूँ, मगर फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं और लूसी के साथ की गई टेप रिकॉर्डिंग उसे देकर चले जाते हैं। रात को उन्हें रे की कॉल आती है, वो कहते हैं कि मैंने रिकॉर्डिंग सुन ली है और कल मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। इसके बाद हम बेन को देखते हैं जो ड्रिंक कर रहा होता है। एली उसे कहती है कि इस टाइम लूसी को तुम्हारी जरूरत है। फिर वो खुद ही लूसी को देखने जाती है। लूसी अपने रूम में लेटी होती है, एली के अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, तभी उसे वहाँ वो हैट वाला साया नजर आता है। फिर बेन के अंदर आने पर एली उसे सब बताती है, तभी वो डीमन फिर से लूसी को टॉर्चर करने लगता है। फिर हम लूसी को एक जंगल में देखते हैं जहाँ वो डीमन भी होता है। तभी लूसी की आंखें खुल जाती है और फादर उसके पास होते हैं जिन्होंने लूसी को एक्सॉर्सिज्म के लिए बांधा होता है। लूसी बेन को रस्सी खोलने के लिए कहती है, मगर फादर बेन को कहते हैं कि ये लूसी नहीं है और उसे उनसे बातें करने के लिए मना करते हैं। तभी रे वहाँ से डर कर भाग जाता है, लेकिन फादर पढ़ते रहते हैं। फिर लाइट्स चली जाती है और सारे कैंडल्स भी बुझ जाते हैं। लूसी खुद को छुड़ाकर नीचे भाग जाती है। फादर बेन और एली को वहीं रुकने का कहकर खुद नीचे टॉर्च लेकर जाते हैं। लूसी के पास पहुंचते ही उनका टॉर्च अपने आप बंद हो जाता है और वो डीमन फादर पर हमला कर देता है। तभी रे वहाँ क्रॉस लेकर आ जाता है और प्रेयर्स करने लगता है। अब फादर भी उसका साथ देने लगते हैं। फिर आखिरकार वो डीमन लूसी को छोड़ देता है। अब फादर कार से अपने घर जाने लगते हैं, पर तभी उन्हें उस घर के खिड़की में वो डीमन फिर से दिखाई देता है। बेन और एली लूसी के पास होते हैं और यही ये मूवी खत्म हो जाती है।